पत्रकारिता आज के बदलते दौर में एक चुनौती का विषय बन चुका है। बदलते इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने पत्रकारिता का पूरा स्वरूप ही बदल दिया है। खास तौर पर स्वास्थ्य पत्रकारिता को करने के सलीके ने और स्वास्थ्य पत्रकारिता को समाचार पत्रों और टीवी चैनल्स में स्पेस न मिलने के कारण यह विषय और ज्यादा गंभीर हो गया है। इसलिए इस गंभीर विषय पर स्वस्थ भारत मीडिया सम्मान, स्वास्थ्य संबंधी समाचारों के पहले स्वस्थ भारत .in जैसे प्रतिष्ठित और लोकप्रिय वेब पोर्टल के 5 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम का आयोजन गांधी शांति प्रतिष्ठान दीनदयाल उपाध्याय मार्ग ITU नई दिल्ली में किया गया, जहां दिल्ली पत्रकार संघ से जुड़े विख्यात और वरिष्ठ पत्रकार मौजूद थे। इसके अलावा राम बहादुर राय, श्री के जी सुरेश, डॉक्टर प्रमोद सैनी, प्रोफेसर अनिल निगम जैसे वरिष्ठ पत्रकारों ने आज के दौर की स्वास्थ्य पत्रकारिता की दिशा और दशा जैसे संवेदनशील विषय पर प्रांगण में बैठे सभी पत्रकारों के सामने अपने विचार रखते हुए चिंतन मनन किया। इसी तरीके से मैं पत्रकारिता को दो भागों में बांटता हूं, पीजी एंड एजी, बिफोर गूगल एंड आफ्टर गूगल। ये बिफोर गूगल में जो पत्रकारिता था उसमें शोध था, उसमें थोड़ा हम लोग जमीनी स्तर पर जाकर पता करने का कोशिश करते थे। लेकिन अफसोस की बात है कि आज हम रिसर्च हैज बीन रिप्लेस्ड बाय गूगल सर्च। आज गूगल बाबा शरण हमारा पत्रकारिता हो गया है, और मैं इसके 50 मिसाल दूंगा, विषय को नहीं है। तो पत्रकारिता में आज हम शोध नहीं कर रहे हैं, साक्ष्य आधारित पत्रकारिता आज नहीं कर रहे हैं, विशेषकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और ये चिंता का विषय। वरिष्ठ पत्रकार और दिल्ली जर्नलिस्ट एसोसिएशन के महासचिव रह चुके डॉक्टर प्रमोद जैन ने अपना वक्तव्य दिया और पत्रकारों के बढ़ते तनाव से होने वाली मौत पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। मित्रों, पिछले 10 साल में 50 से 60 वर्ष की आयु में जिन पत्रकारों की मृत्यु हुई है, यदि उसकी ठीक से छानबीन की जाए तो उसका कहीं ना कहीं कारण स्ट्रेस मिलेगा, जिसके कारण जो बीमारियां पैदा हुई उनकी चिंता न्यूज रूम में काम करने वाले लोगों ने नहीं की, यानी उन्होंने अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं की। आज पत्रकारों की स्थिति ये है कि परिवार के संपर्क में यदि किसी का निधन हो जाता है तो श्रद्धांजलि व्हाट्सएप पे दे दी जाती है, वो क्रेमेटोरियम यानी शमशान घाट भी जाने का उसके पास समय नहीं। और जहां तक भारी बीमारी की बात है तो यहाँ आप बहुत सारे बंधु पत्रकार हैं, इस चीज को समझते होंगे कि परिवार में अगर कोई बीमार है उसकी बीमारी उसका इलाज कराने में तो छोड़ दीजिए, यदि स्वयं भी बीमार है तो उस बीमारी को कई के दिन धोता रहता है और जब बिस्तर पर आ जाता है पूरी तरह तब दवाई लेनी शुरू करता है, यानी अपने स्वास्थ्य को लेकर भी वो जागरूक है। करीब 2.5 दशक से अधिक समय तक पत्रकारिता करने वाले प्रोफेसर अनिल निगम ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में गंभीर चिंतन करते हुए आंकड़े पेश किए। भारत में स्वास्थ्य पर जो जीडीपी का कुल जो भी फिलहाल खर्च होता है वह होता है 1.3% है जीडीपी का, अर्थात यदि कहा जाए तो वर्ष में प्रति व्यक्ति पर 3 रुपए स्वास्थ्य पर खर्च किया जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है कि पिछले दिनों माह में हाइपरटेंशन और कैंसर की मरीजों की संख्या में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। कैंसर के मरीजों की का जो बढ़ने का फीसदी है वो लगभग 1 साल में 36% है। WHO कहता है कि उसी जो रिपोर्ट है उनका कहना है कि डॉक्टर और मरीजों के बीच जो अनुपात होना चाहिए 1:1000 का होना चाहिए। हम एलोपैथी डॉक्टरों के हिसाब से देखें तो हमारे यहां वो रेशियो पूरा नहीं होता, लेकिन यदि हम ट्रेडिशनल चिकित्सा और मॉडर्न चिकित्सा की बात करें तो हम उस पर खड़े करते हैं। स्वस्थ भारत .in के 5 वर्ष मुकम्मल होने के उपलक्ष्य पर वर्ष 2019 का सम्मान 5 लेखकों, मीडिया कर्मियों या शोधार्थियों को दिया गया जिन्होंने स्वास्थ्य संबंधी रिपोर्ट, शोध लेख, आलेख या पुस्तक लिखी है। साथ ही गांधी पीस फाउंडेशन में आयोजित हुए कार्यक्रम के संबंध में जब हमने स्वस्थ भारत .in के संपादक आशुतोष और दिल्ली पत्रकार संघ के महासचिव अमलेश जी से बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कहा।
आज हम लोगों ने स्वास्थ्य पत्रकारिता की दशा एवं दिशा विषय पे परिचर्चा आयोजित किया था। मकसद यह है कि स्वास्थ्य पत्रकारिता में स्वास्थ्य की रिपोर्टिंग ठीक से नहीं हो रही है। आज अखबारों में उतना जगह स्वास्थ्य को नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए था। यही उद्देश्य था इस आयोजन का। और इस अवसर पर हम लोग वैसे शोधार्थियों वैसे संचारकों को सम्मानित भी किया, ऐसे 5 लोगों को सम्मानित किए जिन्होंने स्वास्थ्य संचार में अच्छा काम किया है। और आगे से हम प्रत्येक वर्ष 3 स्वास्थ्य संचारकों को सम्मान देने की घोषणा भी आज हम लोगों ने किया। और आज का जो आयोजन रहा, जिस तरह से KG सुरेश जी ने अपना वक्तव्य रखा, अनिल निगम जी ने रखा, प्रमोद सैनी जी ने रखा, मनोहर सिंह जी ने रखा, इन सभी पत्रकारों ने जिस तरह से एक कंक्रीट सुझाव दिया है, उस सुझाव को लेकर के हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। स्वस्थ भारत देश की बहुत बड़ा विषय है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और स्वास्थ्य पत्रकारिता पर भाई आशुतोष जी का जो ये काम है, उन्होंने पिछले 5 सालों से अकेले मन पर अपनी पत्नी के साथ कुछ मित्रों के साथ एक अभियान छेड़ रखा है। मेरी उनसे कई बार इस बारे में बातचीत हुई है, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। क्योंकि आज का यह कार्यक्रम जो है ये swasthbharat.in का था और दिल्ली पत्रकार संघ इसके सह आयोजक थे। इस विषय पर हम लोग आगे बड़ा काम करेंगे और चूँकि स्वस्थ भारत पर उनका काम है, स्वस्थ पत्रकार पर इसलिए आशुतोष जी की मदद ली जाएगी। हम सारे देशवासियों को ये शुभकामना देते हैं कि वो स्वस्थ रहें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजना है उसको आगे बढ़ाएं। वैसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया और उसकी पत्रकारिता आज कई चुनौतियों से गुजर रही है। ये समय की मांग है कि पत्रकारिता के सलीके और दिशा और दशा पर सभी पत्रकारों को चिंतन करके समाधान तलाशना चाहिए। दिल्ली दर्पण TV के लिए यश खुराना की रिपोर्ट।